प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर मंत्र को बेगूसराय की एक महिला ने आत्मसात कर लिया। दरअसल लॉकडाउन के दौरान कई लोगों की जिंदगी इधर से उधर हो गई। कई बेरोजगार जो थे उनकी तो नौकरी पहले से नहीं थी, लेकिन जो नौकरी पेशे में थे उनकी भी नौकरियां चली गई। लॉकडाउन में गुरु मंत्र का जो कार्यक्रम उनका चल रहा था प्रधानमंत्री का, नरेंद्र मोदी जी का, उसी से हमको अति मिला, आइडिया मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भरता के मंत्र ने उनके जिंदगी में नया प्रकाश डाला। इन्होंने जीविका के माध्यम से सिलाई का प्रशिक्षण लिया। हम जीविका स्वयं सहायता से ही प्रशिक्षण लिए हैं। तीन महीना का लिए थे, फिर इसके बाद 3 महीना का लेकर प्रशिक्षण लिए, जिसके द्वारा यहाँ हमको मशीन भी लिए, मशीन लेकर और स्वयं भी काम किए, अन्य गरीब महिलाओं को भी इसमें जोड़। कितने महिलाओं को काम दे चुके हैं? 300 महिला को सिखा चुके हैं। काम तो महिला अच्छा करती है। इनके बारे में कैसे पता चला, प्रशिक्षण दे रहे हैं? ये प्रशिक्षण दे रही है 2017 से। गांव के आसपास के लोगों से ही पता चला? हाँ, गांव के आसपास के लोगों से पता चला। और 300 से अधिक महिला को प्रशिक्षण दे चुकी है। आप प्रशिक्षण लेने के लिए? हम भी प्रशिक्षण लेने के लिए यहाँ आए हैं। आप सीख रहे हैं? हाँ, सीख रहे हैं। रुपया भी लेते हैं? नहीं। 2017 से अब तक कितने महिलाओं को दिया? 300 महिला को हम दे चुके हैं। 300 से अधिक महिलाओं का प्रशिक्षण दिए हैं। कितने दिनों में महिलाएं सीख जाती हैं? कुछ महिला 3 महीना में भी सीख सकती है, कुछ महिला 6 महीना भी लगा देती है, कुछ जल्दी भी लगा देती है। महिलाएं आत्मनिर्भर बने, आपका क्या मिशन था? क्योंकि आज के जो महंगाई के दौर में यदि स्त्री कुछ करती है तो उससे उसको बढ़ावा मिलता है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, वो स्वयं पैरों पर खड़ा होकर अपना और अपने परिवार का भालन पोषण कर सकती है। कपड़े का निर्माण आप करते हैं? हम लोग मास्क भी बनाते हैं। हाँ। मास्क जब से लॉकडाउन हुआ उस समय से काफ़ी मास्क बनाए हुए हैं और जीविका को दिए, बाकी हर जगह दिए हैं। और यहाँ कपड़ा सिलाई होता है, लेडीज के जितना भी कपड़ा होता है वो सारा सिलाई होता है। महीने में कितना का कपड़ा सिलाई कर ले? 8 से 10 हज़ार रुपये की सिलाई हो जाती है। स्थानीय महिला को स्वावलंबन की कहानी बयां करते हैं। बेगूसराय से लोकल 18 के लिए नीरज कुमार।